गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। अब हम क्लास सेवेंथ की जो साइंस है उसका नेक्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस। दो टाइप पोषण के होते हैं, एक है ऑटोट्रॉपिक, एक होता है हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मीन्स होता है स्वपोषित, हेटरोट्रॉपिक का मतलब विषमपोषी। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स इज वन ऑफ द थ्री टाइप्स। ये हेटरोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशंस है ये थ्री टाइप्स के होते हैं, एक है होलोजेनिक, एक है पैरासाइट एंड सेप्रोट्रॉपिक। अर्लियर इसके बारे में बताया जाएगा। अर्लियर वी हैव स्टडीड अबाउट सेप्रोट्रॉपिक, मृतजीवी के बारे में हम अभी पहले पढ़ चुके हैं, एंड पैरासाइट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस लाइक प्लांट दीज आर दी सेमिन एनिमल्स। एक पैरासाइट का आपको हमने जो प्लांट्स में था उसका एग्जांपल जैसे वो बताया था, अमरवेल है, सेमिन एनिमल। लेट्स नाउ स्टडी अबाउट होलोजेनिक न्यूट्रिशंस। और ये आपकी दो जो पार्ट हैं पैरासाइट एंड सेप्रोट्रॉपिक, ये आपको पहले के चैप्टर में और इसी में कंप्लीट करा चुके हैं। अब हम आपको बताएंगे होलोजोइक न्यूट्रिशंस। द वर्ड होलोजोइक इज ड्राइव्ड। ड्राइव मीन्स होता है प्राप्त करना। द होलोजोइक वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स। ये किससे प्राप्त किया गया, दो वर्ड से। फर्स्ट है हमारा होलोज मीन्स होल संपूर्ण, एंड जोइकॉस मीन्स होता है एनिमल। इसमें क्या है कि ये होल सभी आते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशंस इन विच सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ फूड आर टेकन इन कॉल्ड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। द मोड ऑफ न्यूट्रिशंस जो न्यूट्रिशन पोषण है इन विच सॉलिड पार्टिकल्स, सॉलिड का जो थोड़ा ठोस भोजन लेते हैं, फूड आर टेकन इज कॉल्ड, जो ठोस भोजन करते हैं उनको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस कहा जाता है। मोस्ट एनिमल अधिकतर जानवर इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स इसमें मानव जाति भी शामिल हैं, टेक सॉलिड फूड और ये सॉलिड फूड लेती है इन टू देयर बॉडी के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन मीन्स होता है अंतर्ग्रहण। द इंजेस्टेड फूड इज देन ब्रोकन डाउन। इसको क्या जो इंजेस्टेड फूड होता है इसको क्या होता है, टूटता है, डाइजेस्ट होता है इन टू सिंपलर सब्सटेंस विच आर फाइनली एब्जॉर्ब्ड। सिंपलर जो सिंपली इस सब्सटेंस हैं उनमें भागों में टूटता है, विच आर फाइनली एब्जॉर्ब्ड इन टू द सेल्स ऑफ बॉडी। और ये डाइजेस्ट किस में होता है, बॉडी में। द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड पार्ट ऑफ द फूड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी बाय प्रोसेस ऑफ इंजेशन। जो अनडाइजेस्टेड जो मतलब पचा हुआ भोजन नहीं होता है, एंड अनएब्जॉर्ब्ड जो एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है। एब्जॉर्ब का मतलब होता है किसी चीज़ एब्जॉर्ब में उसमें अपने में सम्मिलित करना, अनएब्जॉर्ब उसको नहीं करता है। पार्ट ऑफ द फूड भोजन के भाग को इज थ्रोन आउट ऑफ बॉडी और बॉडी से बाहर कर दिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। नेक्स्ट, द ह्यूमन बींग्स एंड मोस्ट एनिमल्स सच एज कैट, कैटल मीन्स मवेशी, डॉग, फिश, अमीबा एट्सेट्रा एब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। जो होलोजोइक मोड ऑफ पोषण का जो न्यूट्रिशंस का है उसमें कौन कौन से आते हैं, आपके एनिमल्स आते हैं, कैट है, कैटल है, डॉग है, फिश है, एंड इसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। नेक्स्ट है हमारे न्यूट्रिशंस इन अमीबा। अमीबा मेक अप वन ऑफ द सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स। ये सिंपलेस्ट ग्रुप किसका है, प्रोटोजोन्स का। ऑल दो सम अमीबा आर विजुअल टू द अनएडेड आई। जो कुछ अमीबा हैं वो कैसे दिखते हैं, अनएडेड आई की आँख अलग। मोस्ट आर माइक्रोस्कोप। जब आप माइक्रोस्कोप से इसे देखेंगे तब आपको दिखाई देगा। द अमीबा मूव्स स्लोली। अमीबा कैसे मूव करता है, स्लोली इन ए मॉइस्ट एनवायरनमेंट। ये कैसे क्षेत्र में रहता है, जहाँ पे नमी होती है, नम वातावरण पर्यावरण में। बाय द एक्सटेंडिंग इट्स सेल मेम्ब्रेन। और इसमें कौन सी एक्सटेंड, इसकी जो एक्सटेंड इसकी सेल क्या है, बढ़ती है मेम्ब्रेन झिल्ली एंड साइटोप्लाज्म और कोश का द्रव।
दिस एक्सटेंशन इज कॉल्ड पेसिड्यूपोडियम और फॉल्स रूट, इसको फॉल्स रूट भी कहते हैं। व्हेन द पेसिडोपोडियम इज फुल्ली एक्सटेंडेड इट्स फुल द अमीबा एलोंग विद इट, और इसी के साथ जब ये खींचती है अमीबा के साथ में, ये पेसिडोपोडियम भी खींचता है। ये आपको इसमें एक पिक्चर दिया गया है, माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ अमीबा विच लुक्स लाइक ए ब्लॉब ऑफ जेली। इसके आगे हम आपको जो नेक्स्ट है इसकी हार्ड वर्ड दे रहे हैं, उसको आपको कंप्लीट करना है। इसी के साथ ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। थैंक यू।